हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे कि पावर सेल एंड पावर सीएलआई मैक ओएस पे कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड इंस्टॉलेशन के बाद द कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कैसे करते हैं कि मतलब मुझे वीएसपीआर के साथ कनेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू इंस्टॉल द पावर सेल ऑन मैक। सो द मैं एक लिंक शेयर करूंगा वीडियो के साथ जो मेरा ब्लॉग स्पॉट की होगी और उसके साथ उसमें वो स्टेप्स लिखे हुए कैसे मतलब इंस्टॉलेशन करते हैं। तो बेसिकली द फर्स्ट द कमांड है आपको ब्रू इंस्टॉल पावर सी एल आई ब्रू कास्ट इंस्टॉल का पावर सेल है एंड मैं मेरा टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ यार। यहाँ पे मतलब मेरा कमांड यहाँ पे मैं रन करूंगा। सो ब्रू कास्ट इंस्टॉल वो अपने आप ब्रू को भी अपडेट कर देगा, होम ब्रू को अपडेट करेगा एंड उसके बाद वो इंस्टॉलेशन चालू करेगा पावर सेल का। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पावर सेल इंस्टॉल्ड है बट आप देख सकते हो कि उसका स्टार्टिंग हो गया है इंस्टॉलेशन पावर सेल का मेरी स्क्रीन पे। ओके, सो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पावर सेल इंस्टॉल है तो मैं एक नया विंडो ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे हम लॉगिन करते हैं पावर सेल पे। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो जो नेक्स्ट कमांड है जो PWSH तो वो पावर सेल का सेशन लॉन्च करता है आपके टर्मिनल पे। तो PWSH करेंगे तो वो स्टार्ट करेगा पावर सेल ऑन माय टर्मिनल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर सेल का टर्मिनल ओपन हो गया है एंड आप देख सकते हो वो मैसेज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के यहाँ पे आ गया है एंड अभी हम लॉगिन कर दिया पावर सेल पे। तो अभी पावर सेल पे हम आ गए, उसके बाद अपने को लॉगिन करना है अपने को VMware के जो टूल्स डाउनलोड करने मॉड्यूल्स बोलते हैं उसको। उससे पहले मैं VMware की रिपोजिटरी सेट करने जा रहा हूँ जिसको हम ट्रस्टेड रिपोजिटरी में मैं ऐड कर रहा हूँ जिससे हम पावर सेल पे पावर VMware के सारे मॉड्यूल्स में डाउनलोड कर सकता हूँ। बट उसके लिए PS गैलरी नाम की रिपोजिटरी उसको मैं ट्रस्टेड रिपोजिटरी में ऐड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं सेट PS रिपोजिटरी एंड उसके बाद मैंने रिपोजिटरी का नाम दिया एंड इंस्टॉलेशन पॉलिसी में मैंने इसको ट्रस्टेड मार्क किया। सो ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा ट्रस्टेड सेट करने के लिए क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस रहते जिसकी वजह से वो अपडेट करने में इट टेक्स सम टाइम। सो आप फर्स्ट स्क्रीन में देख सकते हो होम ब्रू अपडेट करा है, उसके बाद वो पावर सेल इंस्टॉलेशन चालू कर देगा। सो ये सिंगल कमांड आपका पावर सेल इंस्टॉल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कमांड ये है कि मैं मेरे VMware के मुझे VMware के मॉड्यूल फाइंड करने हैं और उसको इंस्टॉल करना है। सो देर इज अ कमांड कि मतलब फाइंड मॉड्यूल VMware CLI से मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे उसके साथ दो कमांड क्लब किए कि इंस्टॉल मॉड्यूल। सो वो इंस्टॉल भी करेगा और फाइंड भी करेगा। ओके, तो मैं अभी अपना रिपोजिटरी सेट हो गया एंड आप देख सकते हो मैंने फाइंड मॉड्यूल VMware CLI इंस्टॉल मॉड्यूल किया है। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है बट ये कमांड से इंस्टॉलेशन हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट कमांड है कि द लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स मुझे इंस्टॉल करने हैं तो मैं ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए अपने को ट्रू जियो रिटर्न कर दिया है सिस्टम ने। ओके, सो गेट मॉड्यूल विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स। मैंने यहाँ पे स्टार दिया है कि VMware के बाद जो स्टार नेम के जितने भी मॉड्यूल मुझे दो मुझे इंस्टॉलेशन करने, तो आप इसमें से सिलेक्ट करके इंस्टॉलेशन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मैंने VMware.PowerCLI इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, इन केस आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है VMware.PowerCLI तो आप उसको अपडेट करने के लिए अपडेट मॉड्यूल VMware.PowerCLI कर सकते हो अपडेट मॉड्यूल कमांड के लिए। ओके, दूसरा एक है कि मैंने जो मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ है पावर सी एल आई का उसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए कि मतलब कौन सा वर्जन मैंने इंस्टॉल किया था। यहाँ आप देख सकते हो कि ये गेट मॉड्यूल से वो इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया क्या इंफॉर्मेशन है। ओके, सो ये अभी इंस्टॉल हो गया है। अभी बेसिकली मतलब मुझे कनेक्ट करना है मेरे विस्पियर मशीन के साथ, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा connect-vi-server कमांड से। तो connect-vi-server कमांड में -server पे आईपी देते हैं, -user पे रूट एंड -पासवर्ड पे आपको पासवर्ड देना है। तो मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा ये अटेम्प्ट करेगा मेरे विस्पियर सर्वर के साथ जो मतलब बेसिकली आप देख सकते हो मतलब यूआई में मुझे यहाँ पे जो सेम क्रेडेंशियल मतलब यहाँ पे हम आईपी देते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड देते हैं, तीन चीज़ें हम देते हैं और ये कनेक्ट करने का ये अटेम्प्ट करता है।
समटाइम्स कुछ लोगों को एक्सेस के लिए प्रॉब्लम होता है बिकॉज HTTPS पे चलता है जो नॉन सिक्योर पे रहता है, बेसिकली सर्टिफिकेट हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ होता, तो सर्टिफिकेट बाईपास करना है तो HTTPS पे मैंने वो भी कमांड मेंशन किया हुआ है ब्लॉग पे, तो आपको ये कमांड मेंशन करना है बिफोर आप स्टार्ट कनेक्ट करो उससे पहले कि पावर सी एल आई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको बाईपास करना है, इग्नोर सर्टिफिकेट देना है। ओके सो अभी हमने लास्ट कमांड जो दिया है कि कनेक्ट करने के लिए वो थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि वो कनेक्ट करेगा बैकएंड से, बैकएंड एपीआई से, जो पावर सी एल आई की बैकएंड एपीआई रहती है विस्पियर को कनेक्ट करने के लिए। ओके सो अभी अपना पावर सी एल आई से हमने कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन ये मेरे सर्वर का आईपी है, 443 पोर्ट पे कनेक्ट किया है एंड यूजर रूट है। ओके सो फ्रेंड्स ये था बेसिकली हाउ टू स्टार्ट विथ पावर सी एल आई एंड पावर सेल कैसे इंस्टॉल करते हैं ऑन मैक एंड पावर सी एल आई को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। दूसरा है कि बेसिक आप स्टार्ट कर सकते हो, बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे कनेक्ट करना है मुझे, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो आप विस्पियर मशीन के साथ एंड हाउ टू गेटिंग स्टार्ट विद विस्पियर मशीन, आप वो देख सकते हो। सो फ्रेंड्स अगले सेशन हम देखेंगे पावर सी एल आई से हम दूसरे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे मतलब हम नया वी एम क्रिएट करना है, वी एम को अपडेट करना है, वी एम की इंफॉर्मेशन में से कुछ गेट करना है, तो सारे कमांड्स हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू।